नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस्ट्रो खुलासा में। मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और टॉपिक है वर्ल्ड कप का। जी हां, वर्ल्ड कप क्रिकेट का। वर्ल्ड कप क्रिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है और हम चर्चा करेंगे भारतीय सुपरस्टार की। कौन से भारतीय सुपरस्टार? जी हाँ, रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज, इतना शानदार परफॉर्मेंस कि भारत को सेमीफाइनल्स तक रोहित शर्मा लेकर आ गए। आज हम बात करेंगे उनकी जर्सी की भी, यानी कि जो वो टी शर्ट पहनते हैं और उस जर्सी पर लगा हुआ एक बहुत खास नंबर, नंबर 45, हम इसकी भी बात करेंगे। और साथ ब साथ में बात ये भी करेंगे कि अंक शास्त्र के अनुसार रोहित शर्मा कितने सफल हुए और क्यों सफल हुए और क्या है जादू उनकी जर्सी में। जब से उन्होंने 45 नंबर की जर्सी पहनी है, मान लीजिए कि रनों की पूरी के पूरी पहाड़ सा खड़ा कर दिया रोहित शर्मा ने, और जर्सी का नंबर भी है 45। हम इस सभी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे रोहित शर्मा के बर्थ डिटेल्स पे। रोहित शर्मा की जो बर्थ डिटेल्स प्रस्तुत हैं इंटरनेट पे और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो स्टार्स को उनकी डिटेल्स रखते हैं, तो उनकी जो बर्थ डिटेल है वो है 30 अप्रैल 1987 और 30 अप्रैल को जन्मे रोहित शर्मा बेसिकली कर्क लग्न के जातक हैं। चंद्रमा से संबंधित इनका पूरा चार्ट जो है, इसकी पर्सनालिटी लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। लेकिन खास क्या, रोहित शर्मा पहले इतने सफल क्यों नहीं हो रहे थे, लेकिन पिछले एक साल में आप देख लीजिएगा, लगभग पिछले एक साल के अंदर 18 सेंचुरीज रोहित शर्मा ने लगाई हैं, उतनी ही जितनी विराट कोहली ने भी लगाई हैं। अब सेट हो चुके हैं, चाहे वो शिखर धवन के साथ की जोड़ी हो, चाहे वो केएल राहुल के साथ की जोड़ी हो, अपने आप में रोहित शर्मा आज एक ब्रांड बन गया है और हर भारतीय इनको कैप्टन मटेरियल के रूप में देखता है। तो क्या है राज? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रोहित शर्मा की सफलता के पीछे राज क्या है न्यूमरोलॉजिकली। बीच बीच में हम थोड़ा सा ज्योतिषीय गणना भी जरूर देंगे। रोहित शर्मा एग्जैक्टली जो पूरा नाम लिखते हैं और उनकी पैदाइश के बारे में आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें कहेंगे। रोहित का पूरा नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा। कुछ लोग इन्हें रो हिटमैन कहते हैं और कुछ लोग इन्हें शाना भी कहते हैं, बहुत सारे इनके निकनेम हैं। अंक गणित के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से अगर हम शब्द रोहित प्लस शर्मा लेकर चलें तो पाइथागोरियन टेक्निक और इंडियन न्यूमरोलॉजी जिसे हम वैदिक अंक शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से ROHIT रोहित और SHARMA शर्मा, इसकी पूरी कैलकुलेशन जो होती है वो बैठती है 4, जो राहु को संबोधित करती है। रोहित शर्मा के जो बर्थ डिटेल्स हैं 30 अप्रैल 1987, उस बिहाफ पर रोहित शर्मा जी की अंक गणित
5 बैठती है। वो कैसे बैठती है? 30 का 3 प्लस 0, अप्रैल महीने का 4 यानी कि 0 प्लस 4, और 1987 का 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हुआ 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, इनका योग आता है 32। 32 को जब हम जोड़ेंगे यानी कि 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो इसका योग आता है 5। तो रोहित शर्मा की जो बर्थ डिटेल्स का कुल योग है 5, और इनके नाम का ROHITSHARM है, इसका योग आता है 58। 58 को फिर से अगर हम जोड़ेंगे 5 प्लस 8 को ये आता है 13। 13 को फिर हम जोड़ेंगे 1 प्लस 3, इसका योग बनता है 4। तो रोहित शर्मा के जीवन में 4 नंबर और 5 नंबर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब क्योंकि रोहित शर्मा 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा काम करता है या उसके मित्र बहुत अच्छे काम करते हैं। जो 3 नंबर जातक होते हैं उनको हमेशा 3, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन सर्वश्रेष्ठ रहता है। रोहित शर्मा ने संभवतः जब चूज किया ये नंबर 45 जो उनकी जर्सी का नंबर है, तब उन्होंने ये जरूर सलाह ली कि नाम का 4 और मूलांक का, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, उसका 5 इस प्रकार से जोड़िए कि उन दोनों का अंक मिलकर के या तो 3 बने या 6 बने या 9 बने। क्योंकि ये 30 तारीख के जातक हैं इसलिए बृहस्पति को संबोधित करते हैं, और बृहस्पति के जो मित्र हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से वो हैं खुद बृहस्पति या शुक्र या फिर मंगल, लेकिन मंगल बृहस्पति का परम मित्र है और जहाँ कहीं भी बृहस्पति फंस जाते हैं उनकी सहायता हेतु मंगल सर्वदा उपस्थित हो जाता है। तो ये देखिए कमाल, ये न्यूमरोलॉजी का कमाल है, अंकशास्त्र का कमाल है कि नामांक को जोड़ा यानी कि 4 को जोड़ा और कंपोजिट नंबर को जोड़ा यानी कि जन्मांक को जोड़ा, 4 को भी जोड़ा और 5 को भी जोड़ा, और ये होते हैं 45। 45 का जब हम योग करेंगे तो वो निकलेगा 4 प्लस 5 इजिकल्स टू 9। तो जैसे मैंने आपको बताया रोहित जी की जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके बिहाफ पर इनको या तो 3 नंबर या 6 नंबर या 9 नंबर बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो पाइथागोरियन यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रोहित शर्मा का नेम प्लस डेट जो आता है मिलकर बनता है 9, जो इनके लिए सर्वदा लकी है। अब वो क्यों लकी है उसके पीछे हम ज्योतिषीय कारण भी जानेंगे। रोहित शर्मा की कुंडली कर्क लग्न की बनी है, इनके बर्थ डिटेल्स प्रॉपर हैं, 30 अप्रैल 1987 दोपहर को 12 बजे और नागपुर महाराष्ट्र, जिस बिहार पर ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है, और यहां पर योग कारक मंगल चंद्रमा के साथ बैठकर 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। पूरी कुंडली मंगल पे बेस्ड है, राहु इसमें नीच भंग बनाता है, बृहस्पति के साथ में बैठ करके गुरु चांडाल योग बनाता है, लेकिन क्योंकि 9वें भाव में है इसलिए नीच भंग बनाता है। शुक्र इनकी कुंडली में उच्च का है और वो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, बुध आदित्य योग बनता है इनकी कुंडली में। केतु तीसरे भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब ये नीच भंग बना कैसे? देखिए एक सिद्धांत है ज्योतिष में, नीच ग्रह नीच स्थानों पर सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। राहु के लिए 9वां पहला और 5वां स्थान नीच स्थान माना जाता है। राहु कन्या में उच्च के, कुछ लोग इसे मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ कन्या में उच्च का मानते हैं, कुछ इसे वृष में उच्च का मानते हैं। हम मानते हैं कि कन्या में उच्च के और मीन में नीच के होते हैं।
तो राहु के लिए 12वीं राशि नीच हुई, यानी कि मीन नीच का हुआ, और नवा स्थान में नीच का हुआ। तो नीच का राहु नीच स्थान पर बैठ करके सर्वश्रेष्ठ फल देता है। जो इनकी कुंडली में अभी विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो राहु की है, और राहु में चंद्रमा का गोचर है। देखिए, इनकी जो बर्थ डिटेल्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिली हैं, समय जो है वो प्रॉपर नहीं है। उस बिहाफ पर जो हमें अप्रॉक्सीमेट टाइम मिला है वो दोपहर को 12 बजे का है। और इनकी कुंडली में एक बहुत खास और विशेष बात है, लक्ष्मी नारायण योग बनना। और आप ये देख लीजिए, जब से राहु में सूर्य आया है इनके कुंडली में, और उससे पहले जब राहु में शुक्र था, तब से इनका परफॉर्मेंस सिर चढ़कर बोल रहा है। 2015 के बाद में रेगुलरली रोहित शर्मा ने इम्प्रूव करना शुरू किया है, और नवंबर 17 में इनका राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आया। और उसके बाद जैसे ही सितंबर के महीने में 2018 में इनका राहु में चंद्रमा लगा, इन्होंने नकेल कस ली और ये देखी कि आज वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन पे आ गए। आने वाला समय राहुल शर्मा के लिए बहुत समृद्धि कारक है, और 2021 अप्रैल महीने तक, यानी कि 2021 में इनके जन्मदिन तक, इन पर राहु की महादशा विद्यमान रहेगी, और राहु ने इन्हें एक सुपरस्टार बना दिया है। राहु कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से रेवती नक्षत्र में बैठा है, यानी कि इसका स्वामित्व बुध करता है, और उसके फर्स्ट पाए में बैठा है। इसका सबलॉर्ड भी बुध है और सब सब लॉर्ड भी बुध है, यानी कि राहु जो है वो बुध का फ्यूजन दे रहा है, बुध का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बुध इस कुंडली में पराक्रम का स्वामी है। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जितने विदेश में सफल होते हैं, भारत में उतने ज़्यादा सफल नहीं होते, और स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते। उसके पीछे कारण ये है कि राहु की महादशा चल रही है और राहु बुध जैसा काम कर रहा है। राहु इस कुंडली में द्वादश भाव का भी स्वामी है और पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव का भी स्वामी है। तो राहुल शर्मा के लिए, क्षमा कीजिएगा, रोहित शर्मा के लिए अभी जो स्थिति है वो 2021 तक तो बहुत बेहतरीन चल रही है। तो चलिए बात करेंगे रोहित शर्मा की एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पर कि क्यों राहु इनकी कुंडली में बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है, 30 अप्रैल 1987 दोपहर को 12 बजे के इधर उधर का जन्म है, और नागपुर का बर्थ है इनका। उस बिहाफ पर जो ये कुंडली बनती है, ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है, और राहु में अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा इनका पर्सनैलिटी लॉर्ड है, और मंगल इस कुंडली का योग कारक है। हमने अंकशास्त्र के बिहाफ पर देखा रोहित शर्मा की जो बर्थ डिटेल्स हैं उस बिहाफ पर, या तो उनको 3 नंबर या 6 नंबर या 9 नंबर मिलता है। अब क्योंकि मंगल इस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, और इस कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, योग कारक है, इसी कारण से रोहित शर्मा बहुत सफल हुए हैं। अभी वर्तमान में रोहित शर्मा की राहु में चंद्रमा की अंतर चल रहा है विंशोत्तरी महादशा में, और आप देखेंगे कि जब से ये चला है 28 सितंबर 2018 के बाद का समय, रोहित शर्मा रुके नहीं, लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी खास बात ये कि रोहित शर्मा ने जो स्पीड पकड़ी है, आप इनके करियर ग्राफ को देखेंगे तो 2014 नवंबर के बाद में रोहित शर्मा की राहु में शुक्र की महादशा शुरू हुई थी, और तब से लेकर के 2017 नवंबर तक रोहित शर्मा अच्छा चले, लेकिन बहुत बेहतर नहीं चले। उसके बाद रोहित शर्मा ने स्पीड पकड़ना शुरू किया राहु में सूर्य में, तो 3 नवंबर 2017 से लेके और 28 सितंबर 2017 तक लगभग एक साल का समय रोहित शर्मा ने अपनी स्टैंडिंग खड़ी की। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग पिछले एक साल में
28 सितंबर 2018 के पश्चात का जो समय रहा, रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बराबर सेंचुरीज मारी, जिनकी संख्या रही 18। बहुत बहुत और बहुत बेहतरीन आस्पेक्ट रहे रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप से पहले भी, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, 16 अप्रैल 2021 तक, यहाँ लमसम कहें कि इनके बर्थडे तक 2021 में 30 अप्रैल तक समय बहुत शुभ विराजमान है। और कम से कम हम रोहित शर्मा से, जैसी मेरी उम्मीदें हैं, हम कम से कम एक सेंचुरी की और ज़रूर उम्मीद रखते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि रोहित शर्मा इस बीच में बहुत अच्छा खेलेंगे, और आप ये देख लीजिए कि 19 मई के बाद में, जैसे ही राहु में चंद्रमा में शनि लगा है, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेलना शुरू किया है, और ये सिलसिला आगामी 15 अगस्त 2019 तक चलता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं रोहित शर्मा के लिए, और बहुत ख़ास ये जर्सी भी, 45 नंबर की जर्सी, जो रोहित शर्मा के लिए बहुत लकी साबित हुई है, और हम ऐसी कामना करते हैं। हालांकि एक बात बहुत निश्चित है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए इसमें फाइनल कंक्लूजन करना कि कौन जीतेगा फाइनल, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हम एक और ज़रूर हम आपके लिए एक एपिसोड लेके आएंगे। तो आप सभी मित्रों से आज यहीं पर विदा लेने का समय है, हम एक और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। और एस्ट्रो खुलासा में अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ तो बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार।